everyone. In today's session, we'll talk about artificial intelligence or AI, and we'll see some of the projects under this. Let's begin. First, we'll talk about certain examples, and then I'll give you a definition of AI. Let's talk about the first example, that is your mobile phone. See, in daily life, we actually are using a lot of AI. But we don't even know that in the background, whatever we are using, there is some AI. Let's take a simple example of your phone. When you actually hold up your phone and you look into your phone and your phone unlocks. So basically, there should be something right inside your phone which recognizes your face and your phone unlocks. So this is nothing but AI. यहाँ पे हो क्या रहा है? मैं जब भी अपने फोन को सामने ले रही हूँ, मेरा फोन मेरा फेस रिकॉग्नाइज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ मशीन विजन. उसके बाद ये मेरा फेस कंपेयर कर रहा है मेरे डेटाबेस के साथ. ओके, इफ माय फेस इज देयर इन द डेटाबेस, उसके बाद कंपैरिजन करने के बाद वो चेक कर रहा है इफ माय करंट व्हाटएवर, लाइक इफ आई एम लुकिंग एट माय फोन एंड माय डेटाबेस इमेज मैचेस, तो मेरा फोन अनलॉक होता है. तो इमेजिन करो कि मेरा फेस जो अभी करंटली मैं देख रही हूँ फोन में और डेटाबेस का जो मेरा इमेज है, इन दोनों को मैच करने के लिए बैकग्राउंड में कुछ चाहिए. सो दैट इज, देयर इज एन एल्गोरिथम व्हिच इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. इस एल्गोरिथम की मदद से वो चेक करता है कि मैं जो अभी करंटली देख रही हूँ और बैकग्राउंड में जो उसके डेटाबेस में इमेज है, वो दोनों सेम है क्या, और फिर उसके बाद तुम्हारा फोन अनलॉक होता है, अदरवाइज फोन अनलॉक नहीं होगा. सो ये दोनों चीजें जो हो रही है फोन के अंदर, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट व्हाइल लुकिंग एट आवर फोन एंड फोन गेट्स अनलॉक. सो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज मशीन विजन, what is machine learning, no worries, we'll talk about it in a minute, but understand currently we are using artificial intelligence in your mobile phones. Let's talk about next, social media accounts. We all have Instagram, Facebook accounts, right? These two basically uses AI for cyberbullying identification. जबी भी हम लोग Instagram या Facebook पे कोई message पढ़ते हैं, सो इस मैसेज को बैकग्राउंड में एक एल्गोरिथम के थ्रू चेक किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि इसके अंदर कोई साइबर बुलिंग मैसेज तो नहीं है. अगर ऐसा कोई मैसेज है तो उसे डिलीट कर दिया जाता है. सो मैं बार बार, गाइस एक चीज पे ध्यान देना, मैं बार बार बात कर रही हूँ एल्गोरिथम्स की. सो ये एल्गोरिथम्स बेसिकली क्या होंगे, जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हम अपनी मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना रहे हैं. मतलब नॉर्मली इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकती, राइट? वी ह्यूमन बीइंग्स आर इंटेलिजेंट बाय नेचर, बट मशीन्स कैन नॉट बी इंटेलिजेंट बाय नेचर. सो वी आर प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू द मशीन. और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एल्गोरिथम्स. ओके, सो हम कोड लिखकर उसे इंटेलिजेंट बना रहे हैं. इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सेकंड एग्जांपल एज वेल. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एग्जांपल. मैं आजकल जब भी यूट्यूब पे जा रही हूँ, मुझे ग्रामरली का ऐड आता है. ये ग्रामरली क्या चीज है? बेसिकली ये स्पेल चेकर है और ये तुमको सेंटेंस मेकिंग में भी हेल्प करता है. सो क्या बेनिफिट है हमारे इससे? सो जब भी मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, इफ आई माई इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, देन व्हाट एग्जैक्टली आई विल बी डूइंग, आई विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ ग्रामरली, इट विल गिव मी नॉट मेनी सेंटेंसेस व्हाट आई वांट टू क्रिएट. यहाँ पे एक्चुअल में अगर तुम सोचो कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, तो बैकग्राउंड में एक एल्गोरिथम काम कर रहा है जो बेसिकली मैं जो टाइप कर रही हूँ उसके आगे उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, दिस नीड्स इंटेलिजेंस. मैं अगर बोल रही हूँ आई एम, तो तुम आगे उस सेंटेंस को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी रखते हो, बिकॉज यू गाइज हैव द इंटेलिजेंस. लेकिन मशीन के पास ये इंटेलिजेंस अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये इंटेलिजेंस उसके पास कैसे आएगी? ये प्रोवाइड करने के लिए जो कंसेप्ट है वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई एक चीज का नाम नहीं है, इट्स अ ह्यूज कंसेप्ट विच हैज एन अम्ब्रेला अंडर दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. वी विल लुक इनटू इट इन अ मिनट. So Grammarly basically
बैकग्राउंड में यूज करता है हमारा एल्गोरिथम, और इस एल्गोरिथम की मदद से वो पता करता है कि कुछ स्पेल गलत है क्या या कोई सेंटेंस है उसको वो कंप्लीट करके देता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर मेकिंग दिस सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट. इट इज गिविंग मी ऑप्शंस. ओके, सो इट इज इंटेलिजेंट बाय नेचर एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. लेट्स टॉक अबाउट सीरी, लेट्स टॉक अबाउट कॉर्टाना, let's talk about Alexa, let's talk about Google Home. When we talk about all four of these, basically in the background there is a lot of artificial intelligence. You talk with Siri, you talk with Cortana, you talk with Alexa, Google Home, so it responds to your talk, you know. So it needs some intelligence. When I say hi, it should respond in a hi, right? It should not say bye to me. So basically understand, it needs lot of processing in the background before giving you output. Whatever I'm asking, it should give me the correct response. Otherwise, I will say the machine is not intelligent. If I say that you write certain like lines of algorithm where you write A equal to B and A equal to 10. So B equal to, let's say 10. So this will be the thing. So if A is equal to B and A is 10 and B is 10, this is the general algorithm, guys. This is something which will take a flow. But when I say I'm asking something to Siri, I'm asking something to Cortana, Google Home, Alexa, it is not following any procedure. It is actually searching lot of database or doing lot of things and then giving me certain output. The way it does is it actually goes with an algorithm. And now you might be thinking, ma'am, ये भी तो एक हम algorithm लिखेंगे, उसके बाद ये code करेंगे. So इसको हम लोग detail में आगे देखेंगे. फिलहाल ये समझ लो कि जहाँ पे भी machine में intelligence आ जाती है, वहाँ पे हम कहते हैं कि artificial intelligence का use हुआ है. जहाँ भी तुमको ऐसा लगता है कि ये general machine नहीं है, इसमें intelligence आ गई है, कुछ तो intelligent है. So अभी मैं तुमको एक example देती हूँ. देखो हम लोग कभी एक vending machine के पास जाते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, वेंडिंग मशीन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है? और लेट्स से लीव आर्टिफिशियल, इज इट इंटेलिजेंट मशीन बाय नेचर? आई विल से नो, एवरीथिंग इज नॉट इंटेलिजेंट बाय नेचर. सी व्हाट हैपेंस टू द वेंडिंग मशीन, प्रोबेबली देयर इज एन एल्गोरिथम रिटन इन द बैकग्राउंड दैट व्हेनेवर आई प्रेस 1 दिस शुड हैपन, व्हेन आई प्रेस 2 दिस शुड हैपन, व्हेन आई प्रेस 3 दिस शुड हैपन. सो दिस इज रिटन इन द बैकग्राउंड. लेकिन क्या ये एक इंटेलिजेंट मशीन है? आई विल से नो. क्यों नहीं है ये इंटेलिजेंट मशीन? क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने बेसिक चीजें उसमें कोड करके रख दी है. मैं 1 प्रेस करने पे वही चीज आएगी जो वहां पे है. अगर 1 प्रेस करने के बाद वहां पे चीज नहीं है, लेट्स से मैंने पानी का बॉटल बोला, तो मैं व्हेन आई प्रेस 1 द वाटर बॉटल कम्स डाउन. इफ देयर इज नो वाटर बॉटल ऑन दैट रैक, विल इट कम? नो, इट विल नॉट कम. तो यहां पर इंटेलिजेंस क्या आ जाएगी? इफ द वाटर बॉटल इज अवेलेबल इन द 4th रैक, even if I press 1, the machine should give me the water bottle from the 4th rack. If it is happening, then I'll say the machine is intelligent. But right now, does this happen, or do you think these things happen with this normal vending machines? No. So basically, in general, the vending machines are not intelligent. But please understand, when the machine intelligence, when it learns on its own, so we learn on our own. Similar way, machine should learn on their own. If I'm pressing 1 and there is no water, it should learn that where is the water available, and wherever it is available, it should proceed and give it to us. So this is called as intelligence. Similar way, all these Siri, Cortana works in the same way. Please think about it. If you have ever interacted with Google Home or Alexa, so it works in that way, that it actually, if it is not having this option, it gives you some other option. If it is not having the answer, it talks about something similar. So basically, this is nothing but intelligent nature. Amazon recommendations, guys, this is artificial intelligence. Amazon, we always buy things from Amazon. लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि Amazon AI से relate करेगा. कैसे करता है समझते हैं हम लोग. हम जब भी कोई चीज purchase करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने वो चीज परचेस की, अगली बार हमें उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस आने शुरू हो जाते हैं. सो बैकग्राउंड में एक्चुअली Amazon भी एक एल्गोरिथम रन करता है, और ये एल्गोरिथम तुम्हारा
पूरा बायोडाटा तुम्हारा अमेज़न के पास है, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों ने क्या क्या परचेस किया है, तुमने क्या क्या परचेस किया है, कोई प्रोडक्ट तुमने साथ में तो नहीं परचेस किया है, ये सारा बैकग्राउंड में वो स्टफ को एनालाइज करता रहता है और उसको एनालाइज करने के बाद वो तुमको रिकमेंडेशन देता है कि अगर मैंने अज्यूम के मैंने अगर ब्रेड परचेस किया है अमेज़न पैंट्री पे जाके, तो वो मुझे बटर रिकमेंड करता है कि मेनी पीपल हु हैव बॉट ब्रेड दे हैव ऑलरेडी बॉट बटर सो यू कैन बाय दैट। सो ये चीज जो है ये एक इंटेलिजेंट नेचर में आ गई। ठीक है, क्यों इंटेलिजेंट हो गया? क्योंकि उसने बाइंग हैबिट्स मेरी और मेरे जैसे लोगों की रिफर की और उसके बाद ये सबको एनालाइज करने के बाद उसने मुझे एक नई चीज रिकमेंड की है, बाइंग ब्रेड विद बटर। इमेजिन करो आज पीपल बाय ब्रेड एंड बटर टुगेदर। अगर लेट्स से वन आफ्टर अ मंथ और सो पीपल डोंट बाय ब्रेड एंड बटर टुगेदर, पीपल बाय लेट्स से ब्रेड एंड शुगर टुगेदर। सो अमेज़न तुमको बटर कभी रिकमेंड नहीं करेगा क्योंकि वो लर्न कर रहा है। अमेज़न क्या करेगा, वो बैकग्राउंड में फिर वो सबका बाइंग हैबिट चेक कर रहा है, मेरी मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की, और उसके बाद उसको पता चल रहा है अरे राइट नाउ पीपल बाइंग ब्रेड विद शुगर, देन रिकमेंडेशन में ध्यान देना, रिकमेंडेशन विल बी शुगर। सो ये हो गया एक इंटेलिजेंट नेचर। ठीक है, जबकि हम जनरल जब एल्गोरिथम्स लिखते हैं या जनरल हम कभी भी कोड लिख रहे हैं, तो तुम प्लीज मार्क करो कि हम जो भी सी सी प्लस प्लस या जो भी लैंग्वेज तुमने सीखी है उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है गाइस। ये स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये, इसमें कोई भी थिंकिंग मशीन की तरफ से नहीं हो रही है, ये सारा काम तुमने ऑलरेडी उसको दे रखा है और इस काम के बेसिस पे वो उसको परफॉर्मेंस दे रहा है। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एल्गोरिथम होता है वो इस तरह से डिजाइन होता है कि मशीन खुद से लर्न कर सके। मैं इसीलिए बार बार तुमको इस चीज पे फोकस कर रही हूँ कि जितने एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसमें मशीन खुद से लर्निंग कर रही है। ठीक है, खुद से डिसीजन ले रही है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट नेटफ्लिक्स। सिमिलर अमेज़न पे जैसे रिकमेंडेशन आते हैं, नेटफ्लिक्स पे भी रिकमेंडेशन आते हैं। और तुम एक चीज तुमने शायद मार्क की होगी कि हम बहुत सारी मूवीज रिकमेंडेशन में से क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। सो ये क्या चीज है, हाउ नेटफ्लिक्स गिव्स मी रिकमेंडेशंस, हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग्स हैपन, दिस ऑल हैपेंस विद द बैकग्राउंड एल्गोरिथम्स। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दीज एल्गोरिथम्स लर्न, दे लर्न बाय देमसेल्व्स। तो ये जो लर्निंग का एडिशनल वाला प्रोसेस होता है ना, आज एक मूवी आई है, कल अगर वो मूवी नहीं कोई देख रहा है तो वो हट जाती है, उसकी जगह दूसरी मूवी आती है। लेकिन इमेजिन करो तुम अगर एक कोड लिखते तो तुम्हारा स्टैटिक कोड होता, हमेशा वो सारी मूवीज जो तुमने यहाँ पे डिक्लेयर करी हुई है वही सब आती। लेकिन क्योंकि ये खुद से लर्निंग कर रहा है, आज एक मूवी आएगी कल दूसरी आ जाएगी परसों तीसरी भी आ जाएगी। सो दीज थिंग्स वर्क इन अ मैनर दैट दे चेंज योर रिकमेंडेशंस। दिस इज अगेन एआई। गूगल असिस्टेंट कोई सीरी कॉर्टाना टाइप्स पे गूगल असिस्ट करता है। सबसे सिंपल गूगल मैप, हमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि गूगल मैप जो है वो भी एआई पे बेस्ड है। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड और थिंक अबाउट इट, यू एक्चुअली बुक्ड ओला और उबर और उसमें तुम ट्रैवल कर रहे हो। ट्रैवल करने के बाद तुमने कभी मार्क किया है, जो ड्राइवर होता है तुमने उसको सिर्फ डेस्टिनेशन दे दिया, वो अपना ही रूट फॉलो करता है और वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट में तुमको लेकर जाता है। कैसे ये सब वो कर रहा है, उसको गाड़ी में बैठे बैठे तो आगे का सब पता नहीं चल रहा है। ये सारी चीजें जो है ये गूगल मैप से असिस्टेंस मिलता है। कैसे करता है गूगल मैप, गूगल मैप तुम्हारा आगे का जो पाथ है वो चेक करता है, वेदर चेक करता है, कहाँ कहाँ ट्रैफिक है वो सब चेक करता है, उसके बाद तुम्हें बेस्ट रूट बताता है। अगर रूट में आगे जाने के बाद लेट्स से मैंने अभी स्टार्ट किया और अभी सब जगह एक रूट पर्टिकुलर रूट है और वो रूट प्रॉपर है, मतलब वो सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे कम टाइम में मैं पहुंच जाऊंगी, मैं उस रूट पे चल रही हूँ, लेकिन आफ्टर हाफ एन आवर वो रूट में आगे कहीं ट्रैफिक आ गया और ये चीज गूगल मैप ने चेक कर ली, ठीक है ट्रैफिक में, तो वो तुम्हारा रूट चेंज कर देता है। सी दिस इज इंटेलिजेंस, तुम्हारा रूट चेंज करके तुमको किसी और रूट से वो निकालता है ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सको। सो व्हेनेवर प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, एल्गोरिथम्स तो हम बहुत लिखते हैं, हमने बहुत एल्गोरिथम लिखे होंगे, उन एल्गोरिथम्स को हमने कोड में कन्वर्ट किया होगा, बहुत सारी चीजें हमने की है। लेकिन प्लीज ये समझ लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब भी हम लोग बात करते हैं कोडिंग की, तो ये जो भी एल्गोरिथम बैकग्राउंड में होते हैं ये इंटेलिजेंट होंगे नेचर में, तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आएंगे। तो आज अगर तुम किसी भी चीज को देखते हो तो तुम हर चीज को एआई नहीं बोल सकते, तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी
क्या ये एल्गोरिथम या जो भी चीज तुम देख रहे हो क्या ये खुद से लर्न कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते। ये एग्जाम्पल तो अभी अभी हम लोगों ने लिया, ठीक है, अमेजोन का एलेक्सा हो गया, ठीक है, ये ऑर्डर तुमको फूड ऑर्डर प्लेस कर देता है। नेटफ्लिक्स की हम लोग बात करते हैं, वी एक्चुअली इंटरैक्ट विद एआई विदाउट रियलाइजिंग इट। ये हम बहुत दिनों से कर रहे हैं और आई टेल यू वन थिंग, डे बाय डे हमारी लाइफ में एआई बढ़ता जा रहा है और हमें बिना पता लगे वी आर एक्चुअली यूजिंग एआई लॉट मोर देन लाइक अ ईयर और टू ईयर्स बैक। हम बहुत ज्यादा आज यूज कर रहे हैं एआई को। ये एग्जाम्पल तुमको मैंने दिया ट्विटर का। बेसिकली ट्विटर क्या करता है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट अगर है जो नहीं होना चाहिए, इट्स सम टेररिस्ट और हेट लैंग्वेज, तो वो क्या करेगा, तुमको निकाल देगा, स्टेटमेंट को हटा देगा वहां से। सिमिलर वे में मैंने अभी अभी आपको नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल दिया है। सिमिलर वे में अमेजोन का एक और बताती हूँ तुमको। रिसेंटली मैंने कहीं तो अमेजोन का पढ़ा था कि अमेजोन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और एक चीज करना स्टार्ट किया है दैट प्रोबेबली अमेजोन विल इम्प्लीमेंट इन अ ईयर और सो। व्हाट दे आर बी डूइंग इज, हमारे प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले वो अपनी इन्वेंट्री में उसको ऐड करेगा और उसके वेयरहाउस में उसको लाके रख देगा। प्लीज इमेजिन गाइज, मैंने एक प्रोडक्ट अभी तक ऑर्डर भी नहीं किया है और मेरे करीब का जो अमेजोन का वेयर हाउस है, अमेजोन ने वो प्रोडक्ट ऑलरेडी वहां पे डिलीवर कर दिया है। जब भी मैं ऑर्डर करूंगी वो प्रोडक्ट मुझे विद इन अ डे और विद इन एन आवर मेरे घर पे डिलीवर हो जाएगा। इमेजिन, मेरे को मुझे खुद नहीं पता मैं अभी क्या ऑर्डर करने वाला हूँ, अमेजोन को कैसे पता चल गया? ये हमारी बाइंग हैबिट से पता चल रहा है ना गाइज। अगर मैं कोई प्रोडक्ट कंटिन्यूसली बाय कर रही हूँ या मेरे जैसे कोई प्रोफाइल वाला होगा, मेरे जैसा प्रोफाइल वाला वो एक प्रोडक्ट कंटिन्यूस बाय कर रहा है, तो अमेजोन को पता चल जाएगा कि भाई ये लोग इस प्रोडक्ट को इन नियर बाय लाइक 15 डेज और मंथ ये लोग बाय करेंगे, ठीक है, बिकॉज मेरी कंटिन्यूस हैबिट है कि मैं प्रोडक्ट्स और उस तरह के प्रोडक्ट को बाय करती हूँ। तो अमेजोन क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी लाके अपने वेयरहाउस में डाल देगा और उसके बाद मुझे वो चीज जल्दी मिल जाएगी। और ये कैसे करेगा, वो हमारी बाइंग हैबिट को एनालाइज करके हमारा एक पैटर्न डिजाइन करेगा और उसके बेसिस पे वो हमारे प्रोडक्ट्स को लाके रखेगा। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ये प्रोडक्ट्स हर बार चेंज हो सकते हैं, एक ही प्रोडक्ट बार बार नहीं आएगा। मैं अगर वो प्रोडक्ट ले रही हूँ तो आज अगर मेरा बाइंग पैटर्न या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का जो एनालाइज कर रहा है बाइंग पैटर्न सेम है तो उस तरह के प्रोडक्ट आएंगे, अगले महीने बाइंग पैटर्न बदल गया प्रोडक्ट बदल जाएंगे। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ये इंटेलिजेंटली काम कर रहा है, ये चेंज कर रहा है अपने आप को जैसे जैसे हम लोग चेंज हो रहे हैं, वो लर्न कर रहा है हमारे से। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, HDFC बैंक। आजकल हम लोग जितनी मर्तबा बहुत बैंक्स में या कहीं भी कॉल करते हैं तो हम मार्क करते हैं कि एक्चुअली हम लोग एक ऑटोमेटिक वॉइस मशीन से बात कर रहे होते हैं। सो मैं तुमको एक एग्जांपल लेना चाहूंगी HDFC का, तो मैं बहुत सारी बैंक्स के ऑटोमेटिक मशीन से बात की होगी, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ एवा का, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वॉइस असिस्टेंट। ये क्या करती है, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग इसको पूछते हैं ये इसका रिप्लाई देती है अपने डेटाबेस में से सर्च करके, और ये एक्चुअली ओवर 3 मिलियन कस्टमर क्वेरीज को एड्रेस करती है। प्लीज थिंक अबाउट इट, इतनी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए हमें कितना मैन पावर लगेगा और कितना टाइम लगेगा। मुझे अगर इमेजिन करो, मुझे तुमने कोई क्वेश्चन, मैं इफ आई एम सिटिंग एट द कस्टमर हेल्प डेस्क एंड यू कॉल मी एंड यू आस्क मी सर्टेन क्वेश्चन और मुझे उसका आंसर सर्च करना, मुझे आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर, आई हैव टू लुक हियर देयर एवरीवेयर एंड इट विल बी टीडियस जॉब फॉर मी एंड देन आई विल बी होल्डिंग योर फोन एंड देन आई विल बी रिस्पॉन्डिंग। What about this artificial intelligence? It will be giving you answer very quickly and probably it will give me more correct answers than your general, like a person sitting giving you answer. This will give you more correct answer because जो database है उसको पूरा analyze करेंगे तो जो सबसे best answer होगा वो तुमको निकाल के देगी, जबकि वो हम लोग इतने fast नहीं कर सकते, right? हम हो सकता है कि हमें जो जब सबसे पहला answer मिल गया हम उसको ही check करा वही दे दें, जबकि वो ज़्यादा relevant होगी ना। Okay, so this is very good thing. Okay, I hope you understood what is artificial intelligence by example.
बट मैं जॉन मैकार्थी का डेफिनेशन जो जॉन मैकार्थी ने दिया था वो एक बार रीड करना चाहूंगी. लेट मी टेल यू गाइस, जॉन मैकार्थी इज द पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये इससे पहले कभी नहीं था. 1956 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जॉन मैकार्थी ने ये टर्म कॉइन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और उसने इसके बारे में क्या बताया था, पढ़ते हैं. द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स. बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है. हम क्या बोल रहे हैं, AI is the science and engineering of making intelligent machines. मतलब मुझे ऐसी इस तरह से science और engineering को implement करना है कि मेरी जो general machine है उसमें intelligence आ जाए. So this is called as AI. अगर मेरी machine में intelligence आ जाती है तो मैं बोलूँगी my machine is artificially intelligent. ठीक है, artificially क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि machine में intelligence हम provide करने वाले हैं. ठीक है, गॉड गिफ्टेड नहीं है हमारे जैसे. तो हमारे पास जो इंटेलिजेंस है वो हमारे पास नेचुरल इंटेलिजेंस है, लेकिन मशीन के पास नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है, इसलिए हम उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे. अगर कोई मशीन जिसमें हमने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस डाली है तो वो मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन कहलाएगी एज पर जॉन मैकार्थी. चले अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स के टाइप्स की. दो तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स होती है, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स एंड वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स. नाउ व्हाट इज स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स, व्हाट इज वीक. तो पहले हम वीक की बात कर लेते हैं. और मैं तुमको ये भी बता देती हूँ कि आज जितनी भी हमारे पास AI मशीन्स हैं दे ऑल आर वीक, नथिंग नोबडी इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर, दे ऑल आर वीक AI. So what is VKI? VKI basically इसका एक एग्जाम्पल है AlphaGo. AlphaGo actually एक सॉफ्टवेयर था जिसने जो गो गेम होता है उसका जो चैंपियन था उस टाइम पे उसे हराया था. तो AlphaGo इज सॉफ्टवेयर, AI सॉफ्टवेयर जो गेम खेलता है. जैसे अभी तुम अपने कंप्यूटर पे ही ले लो, लैपटॉप डेस्कटॉप पे तुम चेस खेलते होंगे, तो दैट इज चेस इज नथिंग बट काइंड ऑफ AlphaGo ओनली, थोड़ा सा अलग गेम है ये. सो नेक्स्ट हम एलेक्सा की बात कर लेते हैं, ये भी वीक AI है. मैं आज अभी तुमने जो लिस्ट देखी ना उसमें जितने भी AI है दे ऑल आर वीक AI. अब तुम क्वेश्चन पूछोगे मैडम फिर वीक AI होता क्या है. वीक AI वो है जो सिर्फ और सिर्फ उसका स्पेसिफिक काम करता है. वीक AI कभी भी दूसरा काम नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ AlphaGo की बात करती हूँ. AlphaGo का जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है उसको अगर मैं गो गेम में लगा दूं तो वो उसके जो मास्टर पर्सन है उसको भी हरा देगा. लेकिन अगर मैं AlphaGo सॉफ्टवेयर को चेस पे इंप्लीमेंट करूं तो, अगर मैं AlphaGo को चेस पे इंप्लीमेंट करूं तो व्हाट विल हैपन, AlphaGo विल फेल, इट वोंट बी एबल टू वर्क. क्यों नहीं काम कर सकेगा ये, क्योंकि ये एक्चुअली बनाया गया है गो गेम के लिए, ये चेस गेम के लिए नहीं बना है. तो जब ये चेस गेम पे जाएगा तो इसे उसके रूल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके बैकग्राउंड कुछ नहीं है इसको, तो वो नया चीज नहीं सीख सकेगा. हाँ वो गो गेम में नए नए स्टेप्स नए नए मूव्स वो सब देख लेगा, वो समझ लेगा, लेकिन गो से ही गो गेम में ही कर सकेगा वो चेस गेम में मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकूंगी. इसका मतलब ये है कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीक होगा अगर वो सिर्फ और सिर्फ उसी का काम कर सकता है. सिमिलर वे में मैं एलेक्सा की बात करती हूँ. अभी एलेक्सा जो है अगर मैं उसको जनरल कुछ प्ले करने के लिए बोलती हूँ या कुछ जनरल चीजें पूछती हूँ तो वो मुझे आंसर देती है. लेकिन मैं एलेक्सा को अगर इमेजिन करूँ, एलेक्सा को ट्रैफिक या बाहर का कुछ पता नहीं है, तो मैं अगर एलेक्सा को ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगूंगी कि जो जनरल बाहर के हैं, क्या एलेक्सा उसका आंसर दे सकेगी? नॉट पॉसिबल. उसके डेटाबेस में वो चीज है ही नहीं. वो अगर लर्न भी करना चाहे, देखना भी चाहे, कुछ नई चीजें भी करना चाहे, तो वो डेटाबेस में होना तो चाहिए. वो हमने प्रोवाइड ही नहीं किया, उसके एल्गोरिथम में भी नहीं प्रोवाइड किया, उसके डेटाबेस में भी नहीं प्रोवाइड किया, तो वो लर्न नहीं कर सकती खुद से. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वीक AI. अगर मैं तुमको स्ट्रॉन्ग AI बता दूं ना तो तुमको खुद ब खुद वीक AI समझ आएगा. वीक AI आज तक इम्प्लीमेंट हो चुका है, स्ट्रॉन्ग AI अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है. लेकिन
फिक्शन मूवीज में तुमने स्ट्रॉन्ग एआईज देखे हुए हैं। मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, तुमने डेज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लो। उसमें जो अल्ट्रॉन रोबोट है ना, अल्ट्रॉन इज स्ट्रॉन्ग एआई। तुमने अगर उसका स्टार्ट सीन देखा होगा तो अल्ट्रॉन जब जागता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, बहुत सारा डेटाबेस बाहर का भी सर्च कर लेता है, खुद ही चीजें मैनेज करता है, खुद ही चीजें डिसाइड करता है। जब वो ये सब कर रहा होता है तो एक वीक एआई बाजू में बैठा होता है। वो वीक एआई उसको बोलता है कि भाई तू इतना फास्ट मत काम कर, आई एम नॉट, यू आर डूइंग थिंग्स वेरी फास्ट, जस्ट गो एंड चेक आउट दिस मूवी, इट्स अ वेरी नाइस फिक्शन मूवी जिसमें तुम्हें स्ट्रॉन्ग एआई समझ में आएगा जो कि खुद के डिसीजन लेना शुरू कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो है स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जाम्पल है। और इसी फिक्शन मूवी में जार्विस जो है, जार्विस तुम सबको पता होगा, जार्विस इज अ वीक एआई वेयरएज अल्ट्रॉन इज अ स्ट्रॉन्ग एआई। एक सिंपल सा तुमको स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जाम्पल दे देती हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। इस एग्जाम्पल से तो समझ में आ ही गया होगा। तुमने जो अभी सीन देखा उसमें जो टेडी था ना, दैट वाज एआई, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। तुमने अगर मार्क किया होगा, बोथ द बॉयज वर कॉलिंग द टेडी, लेकिन टेडी किसी के पास नहीं जा रहा था। इट गॉट कंफ्यूज्ड कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, वेयर शुड आई गो, ओके। एंड देन उसकी जब मॉम अंदर आती है तो मम्मी मम्मी करके उसके पीछे जा रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें कहीं ना कहीं टेडी के अंदर एक इंटेलिजेंस आ गई है। इट इज गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड because it is confused, it's going to the third person because he it thinks that it will be rescued by that person. So ye hai AI. Agar mujhe imagine karo, agar aaj ke zamane mein koi teddy hai jo automated hai, wo kaise kaam karega? Tum usko on kar do, char baar yahan rotate karega, panch baar wahan rotate karega, jo uske andar likha hua code hoga us hisab se kaam karega aur wo band ho jayega. Uske alawa uske paas sochne ke liye koi hai ki ability? Koi ability nahi hai. So this is nothing but general coded, जो तुम लोग घर में बच्चों के लिए जो हम लोग लेके आते हैं, रोबोट्स लेके आते हैं या कोई भी टॉय लेके आते हैं, उसके अंदर एल्गोरिथम हम लिख भी देते हैं कि ये करने से ये होगा, ये बोलने से ये होगा, यहाँ पे अगर हम टच करते हैं तो इस तरह से बिहेव करेगा। बट दिस इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज जनरल कोडेड मशीन जो उतना ही काम करेगी जो उसको दिया हुआ है। उसके पास कोई भी थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से लर्न कर सकता है, इसके पास थिंकिंग कैपेबिलिटी है। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया गाइस, वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ए आई है, इट इज नॉट द वीक ए आई। ठीक है, वीक ए आई के पास अभी भी इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है। सो लेट्स गो अहेड फर्दर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने तुमको जिस तरह से बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई एक चीज का नाम नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं और ये सब चीजें मिलकर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाती हैं। अब ये क्या क्या चीजें हैं इसको मैं तुमको स्टार्ट करूंगी लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ, एनएलपी। सो जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, अभी तुम एलेक्सा से बात कर रहे हो, गूगल होम से बात कर रहे हो, तो ये जब बात कर रहे हैं तो सामने जो कंप्यूटर या जो मशीन बैठा है उसे तुम्हारी नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करते आना चाहिए ना, तो समझेगा कैसे? अगर मैंने कुछ बोला तो उस मशीन को उसमें से कीवर्ड निकालते आना चाहिए, उसमें से प्रोसेसिंग करते आना चाहिए उस एल्गोरिथम को, और उसके बाद वो उसको समझ के तुमको रिप्लाई कर सकेगा। सो पहली चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।
ये हमारे एआई के लिए जरूरी है, तो ये एक एरिया है, ये सब अलग अलग एरियाज है गाइस, और ये सारे एरियाज क्लब करके ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है इसमें। और मैं तुमको बताती हूँ मशीन लर्निंग, जिसकी हम लोगों ने बात की थी, इसके बारे में हम और बात करेंगे। मशीन लर्निंग के साथ साथ यहाँ डीप लर्निंग है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, इसके बारे में बात करेंगे। स्पीच, हम जो बोल रहे हैं उसका रिप्लाई अगर वो और मतलब बोल के देने वाला है तो स्पीच होना चाहिए, इसमें आता है स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन। मैं टाइप कर रही हूँ वो रिप्लाई कर रहा है, या मैं बोल रही हूँ वो टाइप करके रिप्लाई दे रहा है, लाइक दैट। विजन, विजन की बात हमने अभी अभी की कि मोबाइल फोन में जब मैं उसको, वो मुझे फेस रिकॉग्नाइज करेगा तभी तो आगे प्रोसेस करेगा, तो विजन के बिना तो आगे काम होगा ही नहीं। तो मशीन विजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बारे में मैंने अभी अभी बताया था कि मशीन अगर देख नहीं सकता तुमको, वो तुम्हारे को एनालाइज नहीं कर सकता, तुम्हारा फेस डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो वो तुम्हारे साथ आगे कैसे काम करेगा। तो विजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच इमेज रिकॉग्निशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इस एक्सपोर्ट सिस्टम के बारे में हम डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे, प्लानिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, बट दीज आर द पार्ट्स ऑफ एआई। रोबोटिक्स, जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा, जो रोबोटिक्स मीन्स व्हाट, जो अगर टेडी है तो उसको आर्म्स मूवमेंट, लेग्स मूवमेंट करना पड़ेगा ना, तो ये मूवमेंट्स हम रोबोटिक्स की मदद से कर देते हैं। सो जो रोबोट्स होते हैं, जो उसमें जो भी मूवमेंट्स होते हैं विद हेल्प ऑफ रोबोटिक्स हम करते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, बार बार समझाने की कोशिश करूंगी, और ये तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई एक चीज का नाम नहीं है, ये एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, स्पीच, विजन, एनएलपी, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट सिस्टम, प्लानिंग ऑप्टिमाइजेशन, रोबोटिक्स, ये सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अब हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक्चुअली बैकग्राउंड में काम करती है। मैं बार बार एक एल्गोरिथम की बात करती हूँ जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड होता है, मशीन को लर्न कराने वाला। कोई भी चीज ले लो, विजन ले लो, वट एवर यू टेक, ठीक है, एनएलपी ले लो, लेकिन एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज मशीन लर्निंग। एक्चुअली मशीन लर्निंग जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब पार्ट है, और मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। तो ये टर्म्स ना मैं क्यों ले रही हूँ, ये बहुत सारे ही टर्म्स हैं, लेकिन इनमें से मैं इन दोनों पे क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये दो वो टर्म्स हैं जो तुमको बार बार आते हैं। हम लोग बहुत मरतबा एकदम जनरली यूज कर लेते हैं मशीन लर्निंग, बहुत मरतबा तुम बहुत जगह सुन लोगे डीप लर्निंग, ये सब कुछ एक्चुअली पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, वॉट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई अगर तुमको पूछे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तुम जॉन मैकार्थी का डेफिनेशन दे सकते हो, या अगर मैं तुमको जनरल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि एक टेक्निक है जो इनेबल करती है कंप्यूटर्स को, या तुम यहाँ पे मशीन लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, सो मैं यहाँ पे मशीन भी लिख सकती हूँ। सो मैं बोल रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एनी टेक्निक which enables your computer or machine to mimic the human behavior. मतलब क्या हुआ, humans are intelligent by nature, okay? So अगर मैं एक ऐसी technique implement करूं जिससे machine humans जैसा behave करने लग जाए, तो मैं बोलूंगी ये machine artificially intelligent है। Imagine करो तुम phone पे किसी से बात कर रहे हो और तुमको लग रहा है कि सामने जिससे तुम बात कर रहे हो वो human है, तो तुम्हारा ये परसेप्शन के सामने वाला ह्यूमन है, लेकिन अगर सामने एक मशीन बैठी है तो मैं बोलूंगी दैट मशीन इज एआई। व्हाई आई एम टेलिंग दैट मशीन इज एआई, बिकॉज उसने ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक किया और तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। सो अगर तुम कोर्टाना से बात कर रहे हो या गूगल होम से बात कर रहे हो और वो तुमको रिप्लाई दे रही है और तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि सामने जहां से रिप्लाई आ रहा है वो ह्यूमन रिप्लाई दे रहा है या कि मशीन रिप्लाई दे रही है, देन दैट मींस इट इज मिमिकिंग द ह्यूमन बिहेवियर, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, चले आगे बढ़ते हैं। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सब पार्ट आता है। ये जो ह्यूमन बिहेवियर मशीन को मिमिक करना है, ये कैसा मिमिक करेगा, मैं बोल रही हूँ कि मशीन ने ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंटली बात करना चाहिए, तो बैकग्राउंड में उसके कुछ तो होना चाहिए जो उसको इंटेलिजेंटली बात करने में हेल्प करे, वो होती है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। यहाँ पे आएगा तुम्हारा वो मेन पर्सन जो एआई को एक्चुअली पॉसिबल करता है। एआई क्या है, मशीन शोइंग
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो कैसे करेगा विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग. बिना मशीन लर्निंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो ही नहीं कर सकता. तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक AI टेक्निक है, ठीक है. या बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती है गाइस, मैं एक को सिंपल डेफिनेशन दे रही हूँ. मशीन लर्निंग एक AI टेक्निक है दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम टू डू सो. मैं ये बार बार समझा रही हूँ तुमको, मेरी मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे कंप्यूटर खुद ब खुद लर्न करना शुरू करता है, उसे मेरे हेल्प की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है. सो मैं बता रही हूँ, अगर तुम एलेक्सा या गूगल होम से जनरली अगर डे टू डे लाइफ में बात करते हो, तो एलेक्सा गूगल होम बहुत सारी चीजें तुमसे ही लर्न करके वो तुमको रिप्लाई देना शुरू कर देगा. अगर मैं तुमको बोल रही हूँ जनरल वेंडिंग मशीन है जहाँ पे तुम एक बटन प्रेस करते हो एक बॉटल आती है, इमेजिन करो मैं बटन प्रेस करने के बाद वहाँ बॉटल नहीं है, वो कहीं और से बॉटल तुमको ला के दे रहा है, ये इंटेलिजेंट बिहेवियर है. ये बिहेवियर खुद से लर्न करने का है. तो ऐसे एल्गोरिथम्स जो खुद से लर्न करते हैं वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं. और किसी भी मशीन को, किसी भी कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहलाने के लिए उनमें बैकग्राउंड में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होना जरूरी है. सिंपल, वेरी सिंपल. वॉट इज डीप लर्निंग? दैट डीप लर्निंग जो है ये मशीन लर्निंग का भी एक्सटेंशन है. डीप लर्निंग को और एक्सटेंड किया गया है मशीन लर्निंग से. अ सबसेट ऑफ MLML, मतलब मशीन लर्निंग. डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विच मेक्स द कंप्यूटेशन ऑफ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स फिजिबल. नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इज मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क. प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, हमारा जो माइंड है इसमें एक्चुअल में न्यूरॉन्स होते हैं. हमारे अंदर माइंड में न्यूरल नेटवर्क चलता है जिसकी मदद से हम कोई पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचते हैं. आज अगर हम लोग जनरल मशीन्स की बात कर रहे हैं तो वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की मदद लेती है टू डिसाइड द थिंग्स. ये अभी तक इतना स्ट्रांग नहीं है. अगर हमें मशीन को मिमिक कराना है ह्यूमन के जैसे, तो ह्यूमन के ब्रेन में जो न्यूरॉन का नेटवर्क है उस तरह का एक नेटवर्क बना के हमें काम करवाना पड़ेगा मशीन से, तब जाके वो हमारे जैसा बिहेव करेगा. एम आई राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड, डीप लर्निंग वैसा ही न्यूरल नेटवर्क प्रिपेयर करता है. तो यहाँ पर एक्चुअली डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट आता है. यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिथम्स काम करते हैं. ऐसे एल्गोरिथम्स जो न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं हमारे दिमाग के जैसा, ठीक है. सो यहाँ पे बहुत सारे ये होगा, जैसे से यहाँ एक इनपुट होगा, फिर यहाँ पे बहुत सारे हिडन लेयर्स होते हैं जो काम करेंगे, एंड देन इट इज गोइंग टू गिव मी द आउटपुट. सो देयर इज इनपुट, then there are lot of hidden layers which works like our mind and then it gives you the output. ये हमारा दिमाग का ही structure है और इससे बहुत complex हमारे दिमाग में, लेकिन मैं ये तुमको simplified बता रही हूँ. So basically होगा क्या, general algorithm कैसे काम करता है ये मैं actually आगे लेने वाली हूँ, फिर भी यहाँ पे समझ लो. general algorithm में you give the input, you give what should be the output and it gives you the output. यहाँ अंदर कोई processing नहीं होती, लेकिन डीप लर्निंग में तुम्हारे माइंड के जैसी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है. मैं तुम्हें एक इमेज दिखाती हूँ, ठीक है. दैट इमेज यू हैव नेवर सीन, बट योर माइंड स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग, योर माइंड स्टार्ट्स गिविंग दैट इमेज वेटेज. अच्छा ये मैंने कहीं देखा है क्या, इस जैसा कोई चीज़ है क्या. अगर कोई एनिमल दिखाती हूँ तो ओके, फोर लेग एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं, इस तरह का कलर का एनिमल कौन कौन सा हो सकता है, ये सारे वेटेज आते जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. और उसके बाद तुम्हें कंक्लूजन पे पहुँचते हो, अच्छा ये एनिमल दिखाया, इट इज लुकिंग सिमिलर टू अ कैट. आई नो इट इज नॉट अ कैट, बट इट इज लुकिंग सिमिलर टू अ कैट. ये डिसीजन तुम्हारे माइंड ने कैसे लिया? बहुत सारे कैलकुलेशन कंप्यूटेशन अंदर तुम्हारे दिमाग में चले, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया. ऐसा डिसीजन अगर हमको लेना है, हमें डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स की मदद लेनी पड़ेगी. गाइस, डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा काम चल रहा है. उसका रीज़न ये है कि अगर ये फ्यूचर में सक्सेसफुल हो गया तो हम अल्ट्रॉन जैसी मशीन बना सकेंगे. इमेजिन करो, अल्ट्रॉन जैसी अगर मशीन बन गई तो फिर हमारा क्या होगा. बट इमेजिन कि ये काम डीप लर्निंग ही कर सकती है, क्योंकि अगर हमको मशीन को हमारे जैसा इंटेलिजेंस
देना है, हमारे जैसा मिमिक करवाना है, तो उस मशीन के अंदर ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए जो हमारे न्यूरॉन्स के जैसा, हमारे न्यूरॉन के नेटवर्क जैसा काम करे. दैट इज न्यूरल नेटवर्क इन द मशीन. ये NN का जो कंसेप्ट है तुमको दे रही हूँ, ये वहीं से आया, न्यूरल नेटवर्क हमारे माइंड जैसा. सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो तीनों चीजें मैं तुमको पढ़ा रही हूँ ना, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन जॉन मैकार्थी ने बोला था कि मुझे ऐसा एक मशीन बनाना है जो ह्यूमन जैसा हो, मतलब वो ह्यूमन को मिमिक कर. अब ये ह्यूमन जैसा मशीन बनाने के लिए हमने उसमें ऐसा एल्गोरिथम डाला जो खुद से लर्न कर सके, और हमने इन एल्गोरिथम्स को बोला ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. लेकिन आज जो हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जितने भी यूज कर रहे हैं, ये सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है ये एक्चुअल में जनरल ही काम कर रहे हैं, वो खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे. जनरल काम कर रहे हैं मतलब क्या, जितना डेटाबेस है उसमें से ही सर्च करके आंसर दे रहे, खुद से डिसाइड कर रहे हैं क्या नहीं. मैं अगर तुमको आज कोई क्वेश्चन पूछ लेती हूँ और तुमको उसका आंसर नहीं भी आता, तुम खुद से डिसाइड करके कुछ तो आंसर देते हो ना. यू डिसाइड ऑन योर ओन एंड यू गिव द आंसर. लेकिन आज कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई तुमने मशीन देखा है जो खुद से आंसर दे रहा है? हाँ, सर्च करके तुमको आंसर दे रहा है लेकिन खुद से नहीं दे सकता, क्योंकि मशीन लर्निंग में जो एल्गोरिथम्स हैं वो एग्जिस्टिंग कोड और एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे ही काम करते हैं. खुद से डिसीजन मेकिंग लेने के लिए उन एल्गोरिथम्स को हमारे न्यूरॉन्स का जो साइनेप्सिस और न्यूरॉन्स का हमारे माइंड में जो पूरा जाल बिछा हुआ है, जिसे मैं नेटवर्क बोलूंगी, इस तरह का एक न्यूरॉन का नेटवर्क चाहिए. तो हम लोगों ने मशीन लर्निंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और बोला अब डीप लर्निंग की बात करते हैं. डीप लर्निंग जो होता है ये न्यूरल नेटवर्क्स बनाता है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स है जो ट्राई करते हैं कि वो हमारे माइंड को मिमिक कर सके. सो आई होप यू अंडरस्टूड, AI is mimicking humans. इसको मिमिक करने के लिए जो बैकग्राउंड में एल्गोरिथम्स हैं उन्हें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स बोलते हैं. लेकिन अभी तक ये जो मशीन लर्निंग है ये वीक AI बनाते हैं. तो हमारे पास जो AI बनेगा ये वीक AI होगा. इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें डीप लर्निंग की जरूरत पड़ेगी. तो ये डीप लर्निंग में हम आ गए. अभी तक डीप लर्निंग में हमने बहुत सारा काम किया है, बट स्टिल डीप लर्निंग इज ऑल्सो नॉट केपेबल ऑफ गिविंग यू स्ट्रॉन्ग AI टिल डेट. लेकिन बोला गया है कि 2045 तक हम लोग डीप लर्निंग में ऐसे एल्गोरिथम्स क्रिएट कर लेंगे जो खुद से डिसीजन ले सकेंगे ह्यूमंस की तरह. अगर ये हो गया सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट इट इज नॉट वेरी गुड फॉर ह्यूमंस आई गेस. चलें फिर से एक बार मैं वापस आती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की तरफ. बार बार क्यों पढ़ा रही हूँ गाइस, क्योंकि ये तीनों जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक है. और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये इससे और भी चीजें बहुत सारी लिंक्ड है एक्चुअली. मशीन विजन हो गया, ठीक है, रोबोटिक्स हो गया, ये बहुत सारी चीजों को लिंक करता है. लेकिन इसको एक्चुअली काम करने के लिए ना मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की जरूरत पड़ेगी. इनकी भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक्चुअली मैं बार बार इसमें क्यों आ रही हूँ पता है क्या, ये तुमको समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. देखो रोबोटिक्स क्या है, ये आम वाम हाथ हिलाएगा, ठीक है, तुम्हारा जो मशीन विजन है वो तुमको मतलब सामने चीजों को कैप्चर करेगा, उसको स्टोर करेगा, ठीक है. अगर मैं तुमको NLP की बात करती हूँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, तो मैं जो बोल रही हूँ वो समझेगा और उसको स्टोर करेगा. लेकिन AI का पूरा कंसेप्ट ये सब थोड़ी है. AI का पूरा कंसेप्ट जो है वो बोलता है मशीन्स मिमिकिंग ह्यूमन, मतलब मशीन ने ह्यूमन के जैसा काम करना चाहिए. और इसको मशीन ने ह्यूमन के जैसा काम करने के लिए ये सब चीजें तो चाहिए, ह्यूमन के जैसा हाथ हिलाना चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ह्यूमन के जैसे बात करना चाहिए, मशीन विजन ह्यूमन के जैसा देखना चाहिए. बट यू नीड अ माइंड ह्यूमन जैसा चाहिए. अगर ये नहीं है, ये डब्बा जो हमारे सर के अंदर है, अगर ये मशीन के पास नहीं है, तो ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं बनता. इसीलिए मैं बार बार मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे फोकस कर रही हूँ गाइस, क्योंकि ये वो दो एरियाज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं, ठीक है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर NLP, MV, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग सब कुछ आ जाता है. But the most important one is machine learning. So artificial intelligence has machine learning. Machine learning के अंदर अभी हम लोग जा रहे हैं deep learning की तरफ. Deep learning इसी का part है. अब हम इसके ऊपर ज़्यादा focus करें. आज जितनी भी research हो रही है, I tell you maximum research is going on
डीप लर्निंग. ठीक है, सो मैं ठीक है आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम थोड़ा और बात करेंगे इसके बारे में. आई होप मैंने अभी तक तुमको जो समझाया वो तुमको समझ गया होगा. अब हम लोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं. मशीन लर्निंग क्या करती है? आज जो हम लोग है तो वो बार बार बोले ना वीक AI स्ट्रॉन्ग AI, तो अभी हम लोग ये मशीन लर्निंग के ऊपर है. डीप लर्निंग पे हम बहुत आगे नहीं गए अभी तक, डीप लर्निंग हम इतने ही आए, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है. ठीक है, उससे पहले हम मशीन लर्निंग पे पीछे वापस जाते हैं. मैंने एक इनपुट लिया, जैसे ये कार का इमेज है. ठीक है, ये क्या करेगा पता है? मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम होगा इस कार के फीचर्स निकालेगा. ठीक है, उसके बाद वो उसको क्लासिफाई करेगा, ये फीचर्स को डिसाइड करेगा. ठीक है, कार है, फोर व्हील्स है, शेप इस तरह का है. ठीक है, डायमेंशंस निकालेगा, देखेगा, सब चेक करेगा, क्लासिफाई करेगा और फाइनली तुमको आउटपुट देगा वेदर इट इज कार और इट इज नॉट अ कार. ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब मशीन लर्निंग की बात कर रही हूँ तो यहाँ हमारा रोल क्या है? देखो, हमें ये इनपुट देना पड़ेगा, उसके बाद मशीन क्या करेगी, ये फीचर एक्सट्रैक्ट करेगी, इन फीचर्स को हमें क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को देना पड़ेगा, ये क्लासिफाई करेगा कि ये जो फीचर्स हैं ये कार के हैं या नहीं है, ये हमें आउटपुट देगा. यहाँ हमारा रोल बहुत ज्यादा हो जाता है कि हमको इन्वॉल्व होना पड़ रहा है. तो फिर क्या फायदा AI का? AI तो ऐसा होना चाहिए कि हमें इन्वॉल्व ही ना होना पड़े. हमारे बिना इन्वॉल्वमेंट के एवरीथिंग शुड बी डन बाय द मशीन. यहाँ पे मुझे इनपुट देने के बाद, मेरे को इनपुट देने के बाद आगे फीचर एक्सट्रैक्ट हो गया, उसके बाद ये फीचर्स को मुझे क्लासिफिकेशन को प्रोवाइड करना है, क्लासिफिकेशन के ऊपर काम करेगा, उसके बाद ये हमें आप बताएगा कि आउटपुट वेदर इट इज अ कार और नॉट अ कार. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो मैंने इनपुट दिया, अब मेरे को मशीन को टच करने की जरूरत भी नहीं है. डीप लर्निंग में डीप लर्निंग फीचर एक्सट्रैक्शन करेगी और फीचर एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमारे माइंड के जैसा, जो हमारे माइंड में फीचर है, मैं कोई भी एक चीज देखती हूँ तो सबसे पहले हमारा माइंड क्या करता है, उसका फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसके बाद खुद ही डिसाइड करता है उन फीचर्स के ऊपर वेटेज दे दे के. अच्छा ओके, ये इमेजेस ये हो सकती है, ये इमेज ये हो सकती है, इस तरह से बहुत सारा वेटेज देता है, उसके बाद आउटपुट देता है. तो ये पूरा काम अंदर जो हो रहा है, ये तुमको यहाँ पे दो लेयर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है वो एक बार स्टडी कर रहा है उसके बाद दूसरी बार स्टडी कर रहा है. ऐसे इनको हिडन लेयर्स बोलते हैं. ये इनपुट है, ये आउटपुट है और ये जो है ना ये हिडन लेयर्स है गाइस. ये बहुत ज्यादा हो सकता है, हमारे माइंड में कितना है अभी तक की कोई भी साइंस बता नहीं सका हमको. लेकिन ये जो हिडन लेयर है, ये जितने ज्यादा होंगे ना, हमारे को आउटपुट उतना ही करेक्ट, या जिसको मैं एकदम सही वर्ड बोलती हूँ, उतना ही सटीक मिलेगा. ये जो चीज हमें चाहिए ना वो यहाँ पे बैठी है. तो ये इस चीज के ऊपर अभी हम स्टडी कर रहे हैं डीप लर्निंग के अंदर. अगर ये न्यूरल नेटवर्क जो हमारे माइंड के जैसा नेटवर्क है, इस न्यूरल नेटवर्क के हिडन लेयर्स को हम प्रॉपरली मैनेज करके इनपुट को एनालाइज करके प्रॉपर आउटपुट दे सके, तो ये डीप लर्निंग में हम एक्चुअली स्ट्रॉन्ग AI की तरफ बहुत बड़ा मूवमेंट करेंगे. तो अभी पूरा जो रिसर्च चल रहा है वो इसी के ऊपर चल रहा है. ये पूरा कंसेप्ट हम समझ गए. आई होप तुमको समझ में आया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है. उसके बाद हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टर्म नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. रोबोटिक्स आता है, मशीन लर्निंग आती है, मशीन विजन आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आती है और डीप लर्निंग वगैरह, ये सब कुछ इसके अंदर आता है. ठीक है, ये हमने समझ लिया. उसके बाद हमने ये समझ लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मशीन लर्निंग, और अभी जो रिसेंटली मशीन लर्निंग का जो एक छोटा पार्ट स्टार्ट हुआ है उसको कॉल्ड डीप लर्निंग. ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए. इसकी शुरुआत एक्चुअली हो चुकी थी 1950 में. एलन ट्यूरिंग ने 1950 में एक ट्यूरिंग टेस्ट दिया था. ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, तुमको समझाने के लिए कि एक्चुअली ट्यूरिंग टेस्ट बताएगा मशीन इंटेलिजेंट है या नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड. सो ट्यूरिंग टेस्ट क्या था, इसमें हम लोग क्या करते थे, एक पेपर पे कुछ पॉइंट्स लिख देते थे और वो मशीन को दे देते थे, मशीन उसका रिप्लाई दे देता था. अगर वो रिप्लाई पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि अरे ये रिप्लाई तो ह्यूमन ने दिया है, तो मैं बोलूंगी मशीन इंटेलिजेंट है. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वन मोर टाइम. वॉट वॉज ट्यूरिंग टेस्ट? 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट किया था. क्या टेस्ट था ये? इसमें हम लोग मशीन को कुछ क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स लिख के देते थे
और मशीन उस स्टेटमेंट्स का रिप्लाई देता था। उस टाइम पे तो एनएलपी वगैरह था नहीं ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो बात नहीं कर सकते थे मशीन के साथ, हमको मशीन में कार्ड के अंदर फीड करके कार्ड डालना पड़ता था, रिप्लाई आउटपुट आता था, ठीक है, लाइक दैट। तो मशीन को मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, मशीन ने उसका रिप्लाई दिया, रिप्लाई रीड करने के बाद, प्लीज अंडरस्टैंड मैं बार बार बहुत समझा रही हूँ, रिप्लाई रीड करने के बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये रिप्लाई किसी ह्यूमन ने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, मशीन हैज इंटेलिजेंस, मशीन हैज इंटेलिजेंस। सो एलन ट्यूरिंग ने यही पूरा समझाया है, लेट्स रीड इट वंस। कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग प्रपोजेस अ टेस्ट फॉर मशीन इंटेलिजेंस। When a person gives some written questions and after getting response cannot tell whether the written responses come from a person or from a computer, then the machine has intelligence. That is, if a machine can trick humans into thinking that it is human, then it has intelligence. Kitna aasan hai. If a machine can trick me into thinking that it is human, then I will say that machine is having intelligence. बहुत ही आसान कंसेप्ट है, सो ये हम लोगों को एलन ट्यूरिंग ने बताया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे जब एलन ट्यूरिंग मशीन को क्वेश्चन टाइप करके देता था और वो आंसर रिप्लाई टाइप करके आता था, तो अगर सामने मशीन है तो मुझे तो समझ में आ जाएगा, लिख के दे रही हूँ और आंसर ले रही हूँ। लेकिन आज के ज़माने में अगर मैं तुमको बोलती हूँ कि एक मशीन को इंटेलिजेंट होना चाहिए, तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? Think about it. मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पूछती हूँ। एलन ट्यूरिंग ने जो टेस्ट बताया वो क्या बोल रहा है कि मैंने अगर मशीन को कोई क्वेश्चन दिया और मशीन ने मुझे आंसर दिया और आंसर रीड करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आंसर तो ह्यूमन ने दिया है, तो मैं बोलूंगी मशीन इंटेलिजेंट है। आज के सिचुएशन में हम लोग क्या कार्ड से क्वेश्चन देंगे और आप पेपर पे आंसर लेंगे? नहीं। आज के सिचुएशन के लिए अगर एक मशीन को इंटेलिजेंट होना है तो उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? थिंक अबाउट इट, विल गो टू द नेक्स्ट। मेरे हिसाब से क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लेट्स सी। सबसे पहले मशीन के पास होना चाहिए कंप्यूटर विजन, वो उसने मुझे परसीव करना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद उसने मेरे से बात करनी चाहिए, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। उसके बाद उस मैंने जो उसको बोला उसने अपने डेटाबेस में डालना चाहिए और उसका आंसर सर्च करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरे को आज मैं अगर बोलती हूँ एक मशीन जो है उसको इंटेलिजेंट बना दो, उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मशीन को विजन चाहिए, उसने मुझे देखना चाहिए, उसने मुझे परसीव करना चाहिए लाइक ह्यूमन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चाहिए, मैं जो बात कर रही हूँ उसने समझना चाहिए, उसने स्टोर करना चाहिए, उसके उसका रिप्लाई देने के लिए उसको मेरी बात समझ में तो आनी चाहिए मैं क्या पूछ रही हूँ। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, मैंने जो उसको पूछा उसको अपने डेटाबेस में डालना चाहिए, डेटाबेस में सर्च करना चाहिए उसका आंसर, दिस इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ऑटोमेटेड रीजनिंग, क्या पूछा है उसको समझ में आना चाहिए, रीजन करते आना चाहिए कि इसका आंसर ये, अगर दो आंसर उसको डेटाबेस में मिल रहे हैं तो ये आंसर दूं कि ये आंसर दूं, रीजनिंग करते आना चाहिए। ओके, सो लेट्स रीड इट वंस। ऑटोमेटेड रीजनिंग टू यूज द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, मैं बार बार वही समझा रही हूँ, उससे रीजन करना है। स्टोर अगर दो इन्फॉर्मेशन है तो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन एंड टू ड्रॉ न्यू कंक्लूजन। मैंने अगर एक क्वेश्चन पूछा दो आंसर्स हैं, उसमें डिसाइड करते आना चाहिए ये आंसर दूं ये आंसर दूं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद सिमिलर क्वेश्चन पूछा तो एक पहली बार एक आंसर दिया, दूसरी बार उसने दूसरा आंसर चूज करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द ऑटोमेटेड रीजनिंग। उसके बाद फाइनली उसके पास क्या होना चाहिए सब करने के लिए? मशीन लर्निंग होनी चाहिए ना, एल्गोरिथम्स होने चाहिए बैकग्राउंड में, ये सब कुछ करने के लिए एक्चुअली एल्गोरिथम चाहिए, लेकिन उसे सोचने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगेंगे। लास्ट रोबोटिक्स चाहिए, हैंड मूवमेंट, ठीक है, जो भी मूवमेंट करना है तो मैनिपुलेट करने के लिए रोबोटिक्स लगेंगे, ठीक है, तो मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स और मूव होगा। सो मैं चाहती हूँ कि तुम एक इमेजिन करो एक लाइव रोबोट, उस रोबोट को इमेजिन करने के बाद तुम सोचो कि अगर उस रोबोट को ह्यूमन जैसा होना है तो उसे क्या क्या लगेगा। उसे मशीन कंप्यूटर विजन लगेगा, उस मशीन को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लगेगी, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लगेगा, उसके बाद ऑटोमेटेड रीजनिंग लगेगी, मशीन लर्निंग लगेगी, रोबोटिक्स लगेगा। ये सारी चीज़ें जो छह चीज़ें मैं तुमको बता रही हूँ ये उसको लगेगा, तब जाके ये पूरा जो रोबोट होगा वो ह्यूमंस जैसा बिहेव करेगा, तब मैं बोलूँगी कि ये एआई रोबोट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस।
इसका एक एग्जांपल अगर तुम चाहते हो, मैंने ये वीडियो ऐड नहीं किया है, तुम यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो, सोफिया नाम का एक रोबोट बना है. ये रोबोट जो है उसमें ये सारी चीजें हैं बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ एआई रोबोट. चलो फ्यूचर, अब हम बात करते हैं. हमें मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एआई. हमने पढ़ा कि एआई क्या है. फिर से रिपीट करती हूँ, एक साइंस और इंजीनियरिंग जो एलन ट्यूरिंग ने बोला है, साइंस और इंजीनियरिंग है जिससे हम ऐसी मशीन्स बना सकें जो ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंट होंगी. लेकिन ये ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंट मशीन बनाने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया गया है, इस अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे और छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं जिन्हें हम कहते हैं रोबोटिक्स, जिसे हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग. ऐसे और भी बहुत सारे कंसेप्ट उसके अंदर आते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा. अब हम बोलते हैं कि फ्यूचर क्या है एआई का. हम एआई आज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट. फ्यूचर क्या है? पहला, एआई इंटीग्रेशन विद वेब एंड मोबाइल एप्स. आज तुम्हारे मोबाइल फोन के जितने एप्लीकेशंस होंगे, 90% एप्लीकेशंस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहे हैं. वेब में बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है. There will be a surge in chatbots. Chatbots, बहुत सारे chatbots निकल रहे हैं. Chatbots क्या होते हैं? Chatting कर सकते हैं हम उधर उनके साथ, हम type करते हैं वो answer देता है. तुम आज कितनी भी website पे चले जाओ, guys मैं तुमको बताती हूँ, मैं आजकल जितनी भी 90% website refer करती हूँ उसमें side में chatbot होता ही है, जिसमें मैं type करके answer डालती हूँ वो मुझे reply देता है और वहाँ back. Okay. So third हम बात करते हैं, intelligent things will be the trend. That is IoT. आजकल बहुत सारी जगह पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई है. अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो IoT है, इसमें ये इंटेलिजेंट टर्म तो होना ही चाहिए ना. सो यहाँ पर जो भी IoT है, जैसे मैं कमरे के अंदर आ रही हूँ, लाइट अपने आप ऑन हो रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ, लाइट अपने आप ऑफ हो रही है. सो ये डेटा जो है, ये जो ऑन हो रही है ऑफ हो रही है, उसके बीच में जितना देर वो ऑन रही वो डेटा जा रहा है सर्वर के ऊपर, उसको प्रोसेस हो रहा है, मुझे बता रहा है कि यार मैंने एक महीने में इतना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है, तो कम ज्यादा अपने हिसाब से वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है कितनी लाइट की मुझे रिक्वायरमेंट है, डिम करना है, थोड़ा ब्राइट करना है. ये सारी चीजें अगर वो करे तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम मदद ले सकते हैं. AI विल बैक द मेडिकल रिसर्च, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और ये कर रहा है. अभी कोविड की सिचुएशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत सारा काम किया जा रहा है इन द बैकग्राउंड और इन द मेडिकल फील्ड. सो मेडिकल फील्ड की हम जब भी बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत सारा काम मेडिकल में हो रहा है. मोर हार्डवेयर विल बी पावर्ड बाय AI. जितने आजकल हम लोग हार्डवेयर यूज करने वाले हैं, ये सब हार्डवेयर जो है AI से थोड़ा थोड़ा करके पावर दिए जाएंगे और दिए जा रहे हैं. मोर AI बेस्ड स्टार्टअप विल लॉन्च. बहुत सारी कंपनीज ऐसी लॉन्च हो रही हैं जो AI बेस्ड कंपनीज है, जो AI के ऊपर ही काम कर रही है. सो प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, अगर तुम फ्यूचर में अपना कोई कंपनी ओपन करना चाहते हो या करोगे, सो हो सकता है योर कंपनी विल वर्क अंडर AI अम्ब्रेला. It will impact the workforce. Very, very, actually not good thing. But AI, क्योंकि तुम खुद सोच सकते हो कि आज हम लोग Amazon यूज कर रहे हैं, Amazon पे everything is coming to us. It is giving us recommendation. We are doing everything there only. We are not going out and shopping. तो वहाँ पे जो sales person है उसका job तो यहाँ पे चला गया ना. So AI impact करेगा workforce को. लेकिन याद रखना एक चीज guys, AI सिर्फ उन लोगों का job impact करेगा जो AI के साथ cope नहीं कर पाएंगे. If you are into IT field and if you are working on AI, nobody can replace you. क्योंकि AI अभी भी और आज से 20 साल बाद भी ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं आएगा कि वो खुद से डिसीजन ले सके. कहीं ना कहीं वहां पे हमें ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत या ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ने वाली है. और अगर तुम उस AI में एक्सपर्ट हो जाते हो, सो यू विल बी एबल टू वर्क विद दैट. ठीक है, तो एनालिसिस वाला जो पार्ट हो जाएगा या जो एक हायर लेवल पे काम होगा वो तुम कर सकते हो. सो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी जॉब्स तो ऑफकोर्स जाने वाली है AI की वजह से. हो सकता है ऐसे रोबोट्स आ जाए जो घर का काम करें, तो प्रोबेबली मेड्स भी नहीं होंगी घर में, रोबोट्स ही होंगे. सो दैट कुड बी द थिंग. बट ऑन अ हायर लेवल VIT पीपल कैन थिंक ऑफ AI इन अ गुड वे दैट वी कैन एक्चुअली डू मोर प्रोडक्टिव वर्क विद AI.
ओके सो एप्लीकेशंस की हम लोगों ने बात कर ली है अभी, तो हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, ऑटोनोमस व्हीकल, अगर तुमने सुना होगा कि ड्राइवरलेस कार जो टेस्ला का ड्राइवरलेस कार है या गूगल का ड्राइवरलेस कार है, तो हम लोग ऐसे व्हीकल्स की बात कर रहे हैं जो ऑटोनोमस है, वो खुद से चलेंगे. बिजनेस फॉर स्मूथनिंग ओवरऑल प्रोसेस. ट्रैवल इंडस्ट्री में एआई यूज हो रहा है. सोशल मीडिया पे एआई बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया था फेसबुक का. ये सब लोग क्या करते हैं, एआई को यूज करके बहुत सारे बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं जो हमें पता भी नहीं चलता. तो एक तुमको फेसबुक का एग्जाम्पल देती हूँ. तुमने फेसबुक के ऊपर आजकल वो टैगिंग देखी होगी ना, फेसबुक कोई भी मतलब इमेज आती है तो अपने आप टैग आता है. तुम इमेजिन करो गाइस कि कोई भी एक इमेज है उसको एनालाइज करना क्या है, कैसा है, उसको डेटाबेस में सर्च करना, उससे रिलेटेड नीचे टैग देना उस इमेज को, ये छोटा मोटा काम है क्या? नहीं, दिस इज समथिंग वेरी इंटेलिजेंट वर्क. सो दिस इज डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द बैकग्राउंड. चलो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. मैं बार बार पूरा कंसेप्ट जो है वो एल्गोरिथम पे लाके छोड़ रही हूँ. तो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम और एआई का जो एल्गोरिथम होता है जिसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बोलते हैं, इसमें मैं तुमको सिर्फ डिफरेंस बता के छोड़ दूंगी. पहले ट्रेडिशनल एल्गोरिथम में हमने क्या किया, हम लोग जब एल्गोरिथम लिखते हैं तो हम बोलते हैं हम लोग इनपुट देंगे, ठीक है, उसके बाद हम एक प्रोग्राम देंगे और फिर ये प्रोग्राम हमें आउटपुट देगा. इसका मैं तुमको एग्जाम्पल भी देती हूँ. हम बोलेंगे तुम ए और बी दो, करेक्ट, फिर मैं प्रोग्राम लिखूंगी ए प्लस बी जो के सी बनेगा और फिर वो आउटपुट में मैं उसको सी प्रोवाइड करूंगी. ये आज तक हम करते आए हैं, ये ही है हमारा जनरल ट्रेडिशनल एल्गोरिथम. ये एल्गोरिथम जब तुम लिखोगे तो तुम बोलोगे मैं इनपुट लूंगी, एक प्रोग्राम लिखूंगी और ये प्रोग्राम मुझे आउटपुट देगा. बट एआई में ऐसा नहीं होता. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोगों को इस तरह से काम नहीं करना है. ये तो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम हो गया, ये जनरल है जो कि हम आज तक करते आए हैं. तो एआई में क्या होने वाला है, एआई में ध्यान दो, एआई में मैं इनपुट दूंगी और मैं साथ में बोलूंगी मुझे ये आउटपुट चाहिए, तो वो बोलेगा ये प्रोग्राम ले ले. क्या फायदा हो गया, ये प्रोग्राम दे रहा मुझे, ठीक है. अब इस प्रोग्राम को गाइस हम लोग एआई की लैंग्वेज में एक्चुअली कहते हैं मॉडल. ये टर्म याद कर लो तो अच्छा रहेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमको मॉडल्स मिलते हैं और ये मॉडल्स जो है वो फ्यूचर में खुद से डिसीजंस लेने के कैपेबल होते हैं. सो इसमें हम क्या करते हैं, इन मॉडल्स को हम लोग पहले इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं और फिर हम मॉडल बना के ले लेते हैं, ठीक है. ये मॉडल क्या है, ये प्रोग्राम होता है जो प्रोग्राम फ्यूचर में खुद से डिसीजन ले सकता है. जब नया कोई इनपुट आएगा, नया कोई, तो मैं बोलूंगी इनपुट, इफ इनपुट इज वन प्लीज सी आउटपुट इज टू, इज इनपुट इज टू आउटपुट इज फोर, इफ इनपुट इज फोर आउटपुट इज एट. ये इसको पता चल गया है. तो जब ये मॉडल रेडी हो जाएगा और अगर बाहर की दुनिया में से किसी ने इस मॉडल को लेट्स से दे दिया 5 जो कि यहां पे नहीं था, तो ये एक्चुअली उसको 10 देगा. दिस इज सेल्फ लर्निंग. 2 1 2 2 4 4 8 5 10, ये सेल्फ लर्निंग है उसकी. यही इसी तरह से बच्चे भी लर्न करते हैं ना छोटे, यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. सो यहाँ पे ध्यान देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग इनपुट प्रोग्राम आउटपुट नहीं करते, हम लोग इनपुट आउटपुट बता देते हैं और उसके हिसाब से ये हमें प्रोग्राम बना के देता है जिसका हम ये मॉडल कहते हैं और इस मॉडल के बेसिस पे हम लोग आगे काम करते हैं, ठीक है. सो ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, डेमोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन है. डेमोग्राफिक मतलब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये लोगों की इंफॉर्मेशन है, उन्होंने क्या क्या लोन लिया है इसकी इंफॉर्मेशन हमने दी. उसके बाद हमने देखा कि इन लोगों में से कितने लोग डिफॉल्ट हुए, कितने नहीं हुए. मैं फिर से समझाती हूँ, मैंने डेमोग्राफिक मतलब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी उनके लोन ट्रांजैक्शन के बारे में और बोला कि इन लोगों में से कुछ लोग जो डिफॉल्ट हुए लोन में और कुछ लोग नहीं हुए, इसकी इंफॉर्मेशन दे दी. इससे मुझे एक ऐसा मॉडल या प्रोग्राम बना के मिला जो प्रोग्राम फ्यूचर में जब मैं किसी इंसान के बारे में उसको बताऊंगी तो ये मुझे आउटपुट बताएगा कि ये लोन देगा या नहीं देगा. देखो एक नई चीज बता रहा है मुझे, मैंने उसे इनपुट में कुछ लोग दिए और उन लोगों के बारे में बताया कि ये तरह के जो लोग थे उन्होंने लोन पे किया, इन तरह के लोगों ने लोन पे नहीं किया, ये जो फीचर वाले लोग थे उन्होंने लोन पे किया, ये फीचर वाले लोगों ने लोन पे नहीं किया,
तो जब मैं नया एक प्रोग्राम बन जाएगा और इस प्रोग्राम को मैं एक नया पर्सन दूंगी इनपुट में, तो ये प्रोग्राम मुझे खुद से बता देगा कि ये पर्सन लोन पे करेगा या नहीं करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम, जिसे हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। ओके, सो टिल हियर मैं तुमको समझाना चाहती थी AI क्या है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज AI। AI के अम्ब्रेला के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं, उस फील्ड में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम हैं, ये हमारे जनरल एल्गोरिथम जैसे नहीं होते हैं। ये जो एल्गोरिथम है, इनसे हमें बेसिकली एक मॉडल बन के मिलता है, और ये मॉडल जो आउटपुट देता है हमें, ये नए नए चीजें लर्न करके आउटपुट दे सकता है। दिस इज नथिंग बट AI। प्रोजेक्ट्स इन AI की बात करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, देयर कुड बी लॉट मैनी प्रोजेक्ट्स, लेकिन मैं तुम्हें कुछ स्पेसिफिक बताती हूँ जो तुम्हारे को समझ में आए। स्टूडेंट फीडबैक प्रिडिक्शन, ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट जिसकी मदद से तुम स्टूडेंट्स का फीडबैक प्रिडिक्ट कर सकते हो पहले ही, तो मैं क्या करूंगी इस AI प्रोजेक्ट में, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटाबेस ले लूंगी, और इन स्टूडेंट्स ने क्या क्या फीडबैक दिया है इस फीडबैक के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लूंगी। मतलब मैंने यहाँ 100 स्टूडेंट्स का डेटाबेस लिया, इन 100 स्टूडेंट्स ने क्या फीडबैक दिया, पॉजिटिव फीडबैक दिया या नेगेटिव फीडबैक दिया, ये ले लूंगी, और इसको मैं एक मॉडल में कन्वर्ट कराऊंगी। अब ये मॉडल या प्रोग्राम रेडी हो गया है, फ्यूचर में मैं एक नए स्टूडेंट का डेटा इसको दूंगी, इनपुट ना, इनपुट आउटपुट बिकम्स प्रोग्राम, प्रोग्राम टेक्स न्यू इनपुट एंड देन इट गिव्स मी आउटपुट। क्या आउटपुट देगा ये, मैं एक नए बच्चे का इंफॉर्मेशन इस मॉडल को दे दूंगी, और ये मॉडल मुझे पहले ही बता देगा कि ये जो स्टूडेंट है ये पॉजिटिव फीडबैक देने वाला है या नेगेटिव फीडबैक देने वाला है, ये खुद से बता देगा। दैट इज स्टूडेंट फीडबैक प्रिडिक्शन कैन बी डन बाय AI। अब ये तो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रिडिक्शन तुम कर सकते हो AI की मदद से। दूसरा, परचेस रिकमेंडेशन, परचेस रिकमेंडेशन तो मैंने अभी तुमको अमेजोन का समझा ही दिया। मैंने अगर कुछ परचेस किया और मैंने उसके साथ कोई चीज परचेस किया, मेरे जैसे 100 लोगों ने परचेस किया है, उसके साथ कोई चीज परचेस की है, तो मैं क्या करूंगी ये डेटाबेस में डाल दूंगी, क्या परचेस किया, पहले मैं डालूंगी फीचर्स ऑफ पीपल, लोगों के इंफॉर्मेशन डाल दूंगी, फीचर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन्फो, मैं सिर्फ लोगों की इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उनका नाम, वो कहाँ रहते हैं, कौन सी एरिया है, लोकेलिटी, सिटी, सब इंफॉर्मेशन अभी अमेजोन में तुम जब अकाउंट बनाते तो डालते ही हो, ये सब लोग आ जाएंगे, उन्होंने क्या क्या परचेस किया और क्या क्या साथ में परचेस किया उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये दो चीजें मैंने दे दी अपनी मशीन को, अब उसमें मैंने एक मॉडल बना के ले लिया। अगली बार जब कोई पर्सन आएगा तो ये मॉडल मुझे आउटपुट में क्या देगा कि ये कौन सी चीजें, गाइस ये फीडबैक नहीं आएगा ना, तो तुम अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा पीपल का इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये इनपुट है, और आउटपुट क्या है, उन्होंने क्या परचेस किया, ये मेरा आउटपुट है। तो अब अगली बार जो कोई नया पर्सन आएगा तो वो क्या परचेस करेगा एज एन आउटपुट मुझे यहां से मिल जाएगा। प्लीज मैं यही समझाने की कोशिश करूँ, परचेस रिकमेंडेशन मुझे पहले ही पता चल जाएगा, रिकमेंडेशन वो मुझे पता चलेगा क्या, ठीक है ये पर्सन आ गया, ये इस जैसा पर्सन है, इस जैसे पर्सन ने ये चीजें खरीदी है, तो मैं क्या करूंगी ये नए वाले पर्सन को वो चीजें रिकमेंडेशन में डाल दूंगी, तो हो सकता है कि वो वही चीजों को क्लिक करके परचेस कर ले। See, this is artificial intelligence. I hope you understood what I have tried to explain you here. Movie recommendation, ये जो अभी हम लोगों ने देखा Netflix में, मैं बहुत सारे लोगों को इनपुट में दूंगी, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कौन कौन सी मूवीज देखी है वो इनपुट में दे दूंगी। मतलब ये एक्चुअली इनपुट, मैं ये दो चीजें इनपुट में दे रही हूँ, दो चीजें इनपुट में क्या दे रही हूँ, मैं इनपुट दे रही हूँ लोगों का, और इन लोगों ने क्या चीजें दी, मतलब इनका इनपुट, इनका आउटपुट,
ये टोटल मेरा इनपुट हुआ, इससे मुझे एल्गोरिथम का मॉडल मिला या एल्गोरिथम मिला। अब ये मॉडल मुझे क्या बताएगा, मैं एक नया पर्सन को जब अंदर डालूंगी तो ये बताएगा ये किस तरह की मूवीज देखेगा, और उस तरह की मूवीज जो देखेगा वो उसकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। दैट इज मूवी रिकमेंडेशन। हेड स्पीच डिटेक्शन, मैं बहुत सारा डेटाबेस में अपना हेड स्पीच सेव करूंगी और बताऊंगी, अच्छा बहुत सारा डेटा डालूंगी, ठीक है, जैसे मैंने लिखा बैड, और बैड को बोलूंगी दिस इज हेड स्पीच। तो जब भी कोई नया पर्सन आएगा वो बैड जैसा कोई वर्ड यूज करेगा अपने पूरे स्टेटमेंट में, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि ये हेड स्पीच हो सकती है, ठीक है। मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना सिंपल नहीं होता, बट इट गोज दिस वे ओनली। सो आई होप यू अंडरस्टूड, हेड स्पीच के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं AI को। IoT के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें हम लोग बैकग्राउंड में AI यूज कर सकते हैं। सो मैं तुमको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, एलेक्सा ले लो, गूगल होम ले लो, ये सब IoT है। IoT जो होता है, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ये, इसमें गूगल होम, एलेक्सा, कॉर्टाना, ये जितने भी तुमको मिल रहे हैं ये सब IoT है। इन IoT के अंदर बैकग्राउंड में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमने शुरू में ही समझा। तो ये हम कोई अगर अपना IoT प्रोजेक्ट बना रहे तो उसमें बैकग्राउंड में हम AI डाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वे वी कैन डू। सो योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, अगर तुम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो इनमें से कोई हम कर सकते हैं, या अगर हम कोई IoT का भी प्रोजेक्ट बना रहे तो उनके उसके बैकग्राउंड में भी हम AI को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोई एल्गोरिथम लगा के हम लोग इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स यू कैन डू इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विद दिस वी फिनिश आवर सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।